खरगोन जिले के भगवानपुरा में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों की आजीविका हेतु ग्राम बहादुरपुरा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बहादुरपुरा, काकड़िया, मंदी के श्रमिक जो कि रोजगार हेतु गुजरात या फिर महाराष्ट्र आदि राज्यों में पलायन करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट एवं प्रबंधक अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह ने बताया है कि आप रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हो, इसी को देखते हुए शासन की नाबार्ड योजना के अंतर्गत 10 लोगों का समूह बनाकर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर किसानों को विक्रय कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि वर्मी कंपोस्ट की मांग आने वाले समय में बहुत ही अधिक होगी, जिससे एक अच्छा स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। भारत सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना चल रही है जी, जिसके तहत भारत सरकार ने ये इस योजना में ये तय किया है कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर अपने गांव को वापस लौट के आए हैं कोरोना के कारण जी, तो उनको अपने गांव में ही जो है कि कुछ रोजगार शुरू हो सके, इसलिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को जो पूरे देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ जहाँ पे जिस जिले में ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्रों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे कि वो खुद अपना रोजगार शुरू कर सके। तो इसी के तहत आज हमारे ये बहादुरपुरा गाँव में 9वीं ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन के द्वारा की जा रही है, जिसमें 35 प्रवासी मजदूरों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं प्रबंधन विषय पर है, जिससे कि ये वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। क्या नाम सर? मैं डॉक्टर आर के सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक। ठीक सर, थैंक यू। खरगोन जिले के भगवानपुरा से प्रदीप महाजन की रिपोर्ट।